Students, greetings to you all. Welcome in our maths class. I hope all you understood the multiplication lesson and also you completed the exercise in textbook and notebook. Now today we are going to start our new lesson, which is the patterns. Okay, I know patterns we learn in a first standard also. Patterns means what? Patterns means figures, shapes or letters which are coming repeatedly one after the other. Now in this second standard we are going to learn more about pattern. The unit number 3, patterns. Okay, first repeated pattern. Repeated pattern means the pattern which are coming repeatedly. For example, when we get up in the morning, we see sun and it shines all through the day. In the evening, the sun sets down and the moon and stars appears. The sun and the moon appear in the sky one after the other. Similarly, seasons also come one after the other in a repeatedly or cyclical manner. Such patterns which repeat from time to time are called repeating patterns. Now we are going to see some of repeated pattern. Okay, here is sun, moon, sun, moon. What do you think? Next pattern is sun, moon, sun, moon. In a repeated manner, here comes again sun. Okay, after sun, moon. This is a repeated pattern. Now example number 2, 0, 1, 0, 1 means 0 and 1 comes after each other. So after 1, here is 0 and after 0, which number is coming here? 1. Okay. Now in the letters A, B. B comes after A. Okay. After B, A. After A, B. Here is a sequence of A and B. So after B, which letter is coming here? A. And after A, there is a B. Okay, this is a repetition of letters. Now look at this diagram. Okay, there are 3 parts of a circle and I shaded one of them. Okay, now look at the clockwise direction. Okay, clockwise direction means जैसे हमारी घड़ी मूव करती है ना, घड़ी के हैंड्स मूव करते हैं, वैसे ये शेडेड फिगर भी मूव कर रही है. ओके, यहाँ पे फर्स्ट इट शेडेड दिस साइड, आफ्टर दैट इट शेडेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट साइकिल, आफ्टर दैट इट गोज डाउन एंड इट बिकम्स. अब कहाँ आएगी ये? नीचे का पार्ट पोर्शन शेड किया हुआ है, अब ये कहाँ आएगी? ऊपर आएगी. ओके, लेट्स शेड इट. Let's dark it. Okay, ये हमने ये पार्ट क्या किया? डार्क कर दिया. मतलब देखो, ये फिर से उसी पोजीशन पे आ गई, फर्स्ट पोजीशन पे. ओके, ऐसे ये क्या होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है. अगर ये हमने यहाँ पे उसको डार्क कर दिया तो नेक्स्ट पोर्शन कौन सा आएगा? नेक्स्ट पार्ट ये आएगा, तो हमें फिर से इसको डार्क करना है. ओके, एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, आप अच्छे से करो. अगर मैंने यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ किया तो आप बता सकते हैं ये पोर्शन कहाँ आएगा? तो ये पोर्शन शेडेड पार्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा. मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है? सर्कल घूम रहा है. ओके, इट्स कॉल्ड पैटर्न. नाउ ग्रोइंग पैटर्न. ग्रोइंग मीन्स पता है ना, ग्रोइंग मीन्स ग्रो, टू ग्रो. ग्रो मतलब बढ़ना. तो पैटर्न में भी जो पैटर्न्स बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रोइंग पैटर्न्स. लुक एट दिस एग्जांपल. ओके, यहाँ पे फ्लावर की एक पंखुड़ी है, वन पेटल ऑफ अ फ्लावर. ओके, अब नेक्स्ट टू पैटर्न्स, नेक्स्ट थ्री पैटर्न्स. ओके, नाउ इन अ ग्रोइंग पैटर्न्स वी हैव टू ग्रो द पैटर्न विच इज गिवन. ओके, थ्री पैटर्न्स, नाउ फोर पैटर्न्स एंड नेक्स्ट कितने पैटर्न्स आएंगे उसके? वेरी गुड, कितने आएंगे? 5. ये ऐसे फ्लावर क्या होगा? बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट इन द एग्जांपल नंबर 2, ए बी, देयर इज अ ए बी इन वन बॉक्स. नाउ ए बी सी, ऑब्जर्व द गिवन इंफॉर्मेशन, इट इज ग्रोइंग पैटर्न, क्योंकि ये अल्फाबेट्स बढ़ रहे हैं.
नेक्स्ट क्या आएगा, ए बी सी एंड डी, आफ्टर दैट ए बी सी डी, और डी के बाद क्या आता है, ई, वेरी गुड। वैसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, ओके। मतलब ए बी से लेकर हमने कहाँ तक एंड किया, ए बी सी डी ई एफ तक एंड किया। मतलब ये पैटर्न्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसलिए इस पैटर्न्स को ग्रोइंग पैटर्न्स कहते हैं, ओके। नाउ रिड्यूसिंग पैटर्न, रिड्यूस मीन्स कम होना, रिड्यूस मतलब कम होना। तो यहाँ पे जब पैटर्न्स हमारे कम होते जाते हैं तो उस पैटर्न को रिड्यूसिंग पैटर्न कहते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर 8 स्माइलीज, ओके। इन द नेक्स्ट पिक्चर देयर आर 7 स्माइलीज। नाउ व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी स्माइलीज आर हियर, ओके, देयर आर रिड्यूसिंग पैटर्न, सो रिड्यूस द नंबर ऑफ स्माइलीज, ओके। हियर 8, 7 एंड नाउ 6, draw the 6 smiley here, okay? यहाँ पे एक एक नंबर से स्माइली क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। आफ्टर 6 विच नंबर कम, 5, सो ड्रॉ 5 स्माइलीज हियर, दिस इज अवर रिड्यूसिंग पैटर्न, ओके। 8, 7, 6 एंड 5। Now look at the second sum. Here is a one flower. How many petals here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total 7 petals here. So in the next example, there are how many petals? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Means here petals are reducing. 6, here 5, here 4. Now draw the flower which have how many petals? 3 petals. 1, 2 and 3. 4, 1, 2 and 3. This is our reducing method. Now, how many petals will be here? 2. Very good. And after that, only 1 petals will here. This is our reducing patterns method. Okay, next part of a pattern is number patterns. Okay, number patterns can be repeating, growing, increasing or reducing or decreasing. So let's see one sum. 5, 10, 15. Now find out the difference between 5, 10 and 15. 5, when we add 5, it becomes 10. When we add 5 in 10, it becomes 50. Means there are difference of 5. Okay? In 3 digits. So, what we have to do? Add 5 in 50. 15 plus 5, 20. Now again, add 5 in 20. So, 20 plus 5 is equal to 25. This is our answer. In this sum, there are increasing pattern in numbers 5, 10, 15, 20 and 25. In the next sum, there are 10, 9 and 8. Now, observe the difference in between three numbers. 10, 9 and 8 means when 10, before 10, which number is coming? 9 means there are backward counting. 10, 9, 8. We know backward counting. So, count 10, 9, 8, 7, 6. Okay. Now, in the third sum, 100, 90. Okay. Difference in between two number is 10. And also, backward counting. When we less 10 from 100, we get 90. Okay, otherwise another 10, 9. Another method is, see the only first digits, there is 10, there is 9, after 9, 8 means reducing pattern. Before 9, which letter come? 8, 8 followed by 10, after that 7 followed by
10, after that 6 followed by 10. We can use this method also, otherwise we minus 10 from 100, we get 90. After that, when we minus 10 from 90, we get 80. And when we minus 10 from 80, we get 70. Like this, you can also solve. But you have to observe the relation in given information. Okay, now look at this sum. 0, 1, 2. Now in the second cloud, 1, 2, 3. In the third cloud, 2, 3, 4. उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो पहले नंबर है उसको उन्होंने क्या किया है, कट कर दिया है। मतलब 0, 1, 2 इस सीरीज में उन्होंने 0 को कट करके क्या किया है, 3 ऐड किया है, मींस 1, 2, 3। इन द नेक्स्ट क्लाउड दे रिमूव 1 एंड ऐड 4, 2, 3, 4। सो लाइक दिस वी हैव टू कट 2 एंड ऐड 5। सो स्टार्ट फ्रॉम 3, 4, 5। ओके, only 3 numbers are in the cloud. After that, in the next cloud, remove 3 and start from 4, 5 and add 6. Okay, this is increasing method, increasing patterns of numbers. Okay, in the numbers we have increasing, reducing, decreasing and growing and repeated pattern we can observe in number patterns. Okay, I hope all you understood the lesson, and please complete the exercise given in the